नमस्ते जी सबको, क्या हाल चाल है। आई नो बहुत टाइम के बाद वापस बना रहा हूँ, पर यार अभी टाइम ही ऐसा था कि समय नहीं लग रहा था, है ना। तो यार सबसे पहले तो देखो जो न्यूज़ आई है उसके रिगार्डिंग, एक मिनट भैया, 10-15 सेकंड की बात ही सही। जम्मू में चार जगह पे जहाँ अटैक्स हुआ, जिसने अपने परिवार के लोगों को खोया, जान पहचान वालों को खोया, उनके लिए तो यार वैसे मतलब इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। और ये हमारे देश के लिए भी हमें ध्यान रखना है, टेररिज्म जिस तरीके से फैल रहा है उसे किस तरीके से काउंटर किया जाए। पर मेरा एक से है यार, मुझे नहीं पता अब कितने लोग उससे हामी भरेंगे नहीं भरेंगे, आई डोंट नो, बट इन टेररिस्ट अटैक्स की वजह से हम कम्युनल वायलेंस की तरफ ना आ जाएं, कम्युनल डिवाइड की तरफ ना जाएं, जो हिंदू मुसलमान चल रहा है उसकी तरफ ना जाएं। अपने धर्म की हर कोई रिस्पेक्ट करे, किसी और को तंग ना करे, वो अच्छी बात है। और इस टाइम पे यार जो फोर्सेस चाह रही हैं कि देश में डिवाइड हो, उन लोगों को बताएं कि भाई हम सारे एक ही हैं, हम इंडियंस हैं, और जहाँ इंडिया की बात आएगी वहाँ पे सब कुछ पीछे है और सबसे पहले इंडिया है ना। तो ये मेरा मन था यार शेयर करने का। बाकी ये है कि 2 दिन रह गए हैं प्रीलिम्स को, एंड उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है। फॉर्म पे अगर पहले भी इस नोटिफिकेशन में सबने पढ़ा होगा कि जिस तरीके से फ़ोटो है उसी तरीके से जाना है, ये उसमें लिखा हुआ है। तो इसी वजह से अपने आप को, अगर लड़कों ने क्लीन शेव होना है तो क्लीन शेव होएं, जिस भी मतलब तरीके से फ़ोटो खिंचवाई हुई है उसी में रहें तो बेटर रहेगा, ये मेरे को लगता है। फिर भले ही बंदा कहे कि नहीं यार थोड़ा क्या फ़र्क पड़ता है वगैरह वगैरह, बट फॉलो कर लो यार, क्या दिक्कत है। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यारों, तो ये देख लो कल भी भरो तो भी खाली हो जाता है। अपन को चिड़िया जानवर अपने पास 3-4 हैं ऐसे, तो 2 उधर रखे, 1 उधर है, 1 घर के आगे रखा हुआ है। तो पानी वगैरह दो, क्योंकि हमें इतनी गर्मी लग रही है, हम ही पागल हो रखे हैं गर्मी में, तो इन लोगों के लिए तो पानी रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई फ़र्क ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, पानी पुनी भर दिया करो दिन में एक बार की तो बात है। तो मैं तो घर कम ही आता हूँ, लेकिन मम्मी और ही भर देते हैं, फिर ये होना ही चाहिए। एंड अब क्या करते हैं कि अपने आप को वापस सेटअप करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से पेपर में जाना है, और पेपर की काइंड ऑफ किट जो नेसेसरी चीज़ें हैं अभी से पैक कर लो ताकि आखिरी वाले दिन दिक्कत ना आए। तो चलो करते हैं आगे। वैसे तो मुझे पता है अभी दीदी गाली देने वाली है कि अच्छा नहीं लग रहा है ये होगा, पर लेट्स रिकॉर्ड हर रिएक्शन और फिर बैग पैक करते हैं एंड पढ़ने बैठते हैं रिवीजन को। मम्मी भी है, मम्मी ठीक लग रहा हूँ क्यों? थोड़ी सी पेपर है ना उसके लिए, क्या हरकत है। हाँ फॉर्म में जैसी है वैसी ही रखनी है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहे। फोन दिखा रहे, ठीक लग रहा, ठीक है, बच्चा को लग रहा, बच्चा ही हूँ जी, बच्चा ही इसके पेपर देते हैं और क्या, फेल हो जाते हैं, पास हो जाएंगे, बोल इसे कि मैं पास हूँ, पास हो जाऊँगा, पास होने के बाद वीडियो डालेंगे, नहीं डाल तो मैं अभी दूंगा, वो तो रिजल्ट अलग चीज है, मन तो मेरा पास होने का ही है। नहीं, आप क्या दीदी, नाटक ना करो, नाटक ना करो। वन टेप यार, पेपर से पहले कार्ब्स प्लीज कम लेना ताकि किसी को नींद वगैरह ना आए पेपर के बीच में। हाँ जी, तो अब हो गई है देखो जी रात, एंड अब कुछ एक दिन समथिंग जो भी अपना समय बचा हुआ है वो बचा हुआ है। और मैं अभी ये बताऊंगा कि देखो अभी के अभी ना, क्योंकि मेरे को कल भी काम है, एंड मेरे को पिछले 5 दिनों मतलब ब्रेक में भी 3-4 दिन अभी और भी जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरे कुछ दिन भी वेस्ट हुए, बट कीपिंग देम असाइड, मेरे को कल भी काम पे जाना है। एंड मेरे साथ किस्मत ऐसी माड़ी हुई है कि जो मेरा सेंटर है वो तो मैंने दिल्ली भर रखा था, क्योंकि इट वाज अनसर्टेन कि एकदम से काम पड़ गया है ना। कल पहले मैं काम पे जाने वाला हूँ, अराउंड 11-12 बजे के आसपास निकलूँगा, एंड 6-7 बजे तक का काम है, फिर वहीं से डायरेक्टली दिल्ली के लिए निकलूँगा ताकि कल मैं पेपर दे सकूँ। तो उस चीज़ के लिए, एंड मैं तो ये कहूँगा यार आप लोग खुद भी पहले ही अपना एक तो एडमिट कार्ड ये रख लो, ठीक है, और एक ऐसे सिंपल ट्रांसपेरेंट पाउच में अपना आधार कार्ड, मतलब जो भी आप लोगों ने भरा हुआ है अपने एडमिट कार्ड में, जो भी आईडी भरी हुई है ना उस आईडी का रख लो, 3 पेन रख लेना, किस्मत का नहीं पता होता, मैं तो फिर भी 4 रख लिए, पर 3 रख लेना, क्लियर होनी चाहिए, अगर आप किट लेके जा रहे हो तो क्लियर होनी चाहिए, मतलब दिखना चाहिए यार पर ट्रांसपेरेंट। सेकेंडली एक बॉटल रख लेना सिंपल वाली, वो भी ट्रांसपेरेंट,
और 2-3 घंटे पहले मतलब पानी पी लेना, उसके बाद मत ही पीना ज़्यादा, और वहाँ पे सिप सिप करके फिर भी एक बार एक लिए पी सकते हो, ना पियो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो कि यार नहीं पीना ही है पीना ही है तो पी लेना, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पियो ही ना, ठीक है जी। एंड एक मेरी तरफ से खुद की एडवाइस, क्योंकि मैंने मतलब अभी मैं बाहर भी गया होता था, बहुत गर्मी तो हो रही है सबको पता है, एंड हम लोगों को आदत भी है लाइब्रेरी या फिर घरों या फिर कहीं पे भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले भी हैं तो एसी वगैरह होता है, बट गवर्नमेंट स्कूल में मिलना नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं होता है ना, नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल में। तो वाइट कलर के कपड़े को पहनना एंड ट्राई करना कॉटन वगैरह का हो ताकि ब्रीदेबल हो, कोई इशू ना आए ज़्यादा, मतलब गर्मी होगी पर बहुत ज़्यादा ना लगे। कभी कभी किस्मत ये भी होती है, स्कूल में होता था ना कि पंखे के नीचे नहीं बैठ रहे, कहीं और जाके बैठ रहे हैं जहाँ हवा भी नहीं लगती सही से, तो वो भी हो सकता है। तो इस वजह से सही तरीके से करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब तो देखते हैं भाई क्या होता है, अब थोड़ा बाकी भगवान पे छोड़ दूंगा, कल ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, शाम को मतलब ट्रैवल में ही पढ़ना पड़ेगा कल तो तकरीबन पूरा टाइम, एंड सुबह थोड़ा बहुत बस आधा एक घंटा तेज़ तेज़ पन्ने पलट के पेपर में बैठ जाएंगे, ज़्यादा इधर उधर का टेंशन नहीं लेनी। दिखाऊंगे कमरे की क्या हाल है, सारा कलेरा पड़ा हुआ है, एक बार इसको सेट कर देता हूँ क्योंकि हर अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक बार देख रहा था वापस से, बस अभी एक तो आधा रह गया थोड़ा सा काम रिवीजन का, उसको कंप्लीट करेंगे और सो जाएंगे। तो मिलते हैं अब सीधा पेपर के बाद क्या होता है। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट।